Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. As I remember, last time हम लोगों ने graph, different graph पे discussion कर लिया था. Theoretically, yes, we have discussed all type of graph, all varieties of graph. तो आज मैंने बोला था कि we will solve few of the question based on those graphs. कुछ numerical problems हम लोग solve करेंगे. और उसके बाद after doing that, we'll start a new chapter which will be vectors. तो चलिए सर, पहले कुछ question based on graphs अपन कर लेते हैं. फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम वेक्टर्स होगा. और आई होप कि आप लोग ग्राफ पढ़ चुके हो, मतलब आपने अपनी तरफ से भी पढ़ा होगा, आपने सेल्फ स्टडी भी किया होगा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द नोट्स एंड यू हैव रिवाइज ऑल दोस थिंग्स. तो मैं इसमें फॉर्मूला फिर से रिवाइज नहीं कराऊंगा अभी कि भाई कौन से ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, कौन सा ग्राफ कौन सा फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करेगा. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. पहला क्वेश्चन सर, मान लीजिए कि लेट अस से के this is your graph and this graph is of speed versus time. This is a speed time graph. You just have to tell me the distance traveled by the particle whose speed time graph is like this. मतलब ऐसा speed time graph किसी particle के लिए मैंने draw किया. This is the graph, speed time graph for a particle. Speed versus time. यहाँ पर speed is 0, यहाँ पर speed is 10, यहाँ पर ये जो speed है that speed is 20. Let us say speed is in meter per second, time is in seconds. Time aapko second mein given hai. The time here is 2, the time here is 4, the time here is 6, and this time is 8. All the values of time is in seconds and all the values of speed is in meters. Aapko pucha gaya sir ki calculate the distance traveled. Calculate distance traveled between 0 and 8 seconds. अब देखो प्योरली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ डिफरेंट या यूनिक सी चीज नहीं है जिसपे आपको सोचना पड़ेगा. मतलब इफ यू नो हाउ व्हाट स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर आपको यही नहीं पता कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इन नो वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस देन. ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ? सर एरिया अंडर द स्लोप, सर एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, आई मीन एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ जो भी कह दो, है ना. तो इसका मतलब है कि आप इसकी पूरी एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. और पूरी एरिया कैलकुलेट करने के लिए यू हैव डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एरिया. तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ सर. अब आपकी मर्जी है जैसे आप सॉल्व कर लें. आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, ये वाला एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा सर ये वाला इट्स अ ट्रापीजियम. ठीक है, और ये वाला फिर से ट्रायंगल है. देखिए आपको दिखाई दे रहा है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टोटल एरिया लिख देना है. तो टोटल एरिया लिख दो, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व जो भी कह लो. So that will be equal to what? Half into base into height. Triangle ki area, half into base, base ki value 2 into height, height ki value 10. Is it clear? Yes, sir. Plus dusra wala rectangle. Rectangle ka area length into breadth. Rectangle ka area length into breadth. Length ye hai, 2 se 4. Ye length kitna hua? Yahan se 2 se 4. To ye length aya kitna? What will be the value of the length of rectangle? Of course, very good. 2. And into breadth, 10. Very good. प्लस दिस इज अ ट्रैपीजियम बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये ट्रैपीजियम है और ये ट्रैपीजियम है. तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड की लेंथ, इस वाले को देखो, इस वाले साइड की लेंथ, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ 10 है और इस वाले साइड की लेंथ अगर आप देखो तो इसकी लेंथ 20. वेरी गुड. तो आप लिख सकते हैं हाफ 10 प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई हाइट. हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स. तो दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो यही है, एंड दैट इज नथिंग बट 2 प्लस ऑफ हाफ इनटू बेस. बेस की वैल्यू फिर से इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस इज हाउ मच? 2 इनटू हाइट. हाइट इज नथिंग बट 20. अब ये सॉल्व करके जो भी आ जाए सर, यू विल गेट दैट टू बी योर डिस्टेंस. तो 10 प्लस 20 प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ 4 टू 20 80. 84 का कैसे आ रहा है? मेरा तो इतना ज्यादा आ रहा है, इट इज मोर देन 84. इट इज मोर देन 84.
ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विल जंप टू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ, उसके बाद वी विल स्टार्ट वेक्टर्स. सर वो टू नहीं होना चाहिए, एट की जगह कहाँ पर? सर लास्ट वाला एकदम. यस सर, सर वो लास्ट वाले में टू होना चाहिए. अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी, थैंक यू. ये टू होगा तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, देन आल्सो इट इज 20 सर, तब 80 आ जाएगा. तब भी तो 80 आ रहा है, 20 30 50 50 20 70 80 हो गया सर. आगे बढ़ जाए. Yes, sir. Okay, moving on to the next. So this is velocity in meter per second. This is time in seconds. यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू है 10, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू है 12, ये जो टाइम है वो आपका 4 सेकंड्स है, ये वाला जो टाइम है वो 6 है, और यहां पर जो टाइम है दैट इज 8 सेकंड्स. ठीक है, आपको इस ग्राफ से आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन VT graph where V is velocity. और आपको मैंने बताया था velocity time graphs से you can calculate distance as well as displacement, right? और दोनों calculate करने के लिए you have to find out the same. That means you have to find out the area under the curve. That is what you are you have to find out. तो मैं wait करूँगा आपके लिए. पहले मैं देखूँ कि कितना आपको याद है और क्या कर पा रहे हो आप. उसके बाद फिर मैं आपको मैं solve करूँगा. तो पहले आप लोग try करिए. आप लोग जब try कर लेंगे उसके बाद मैं solve करूँगा. हरी आप सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? पहले आप लोग सॉल्व करिए फिर मैं बताऊंगा. कितना है डिस्टेंस? 132. इज दिस आंसर बाय अदर्स आल्सो. अच्छा चलो, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे? सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही चीज तो डिफरेंट है कि डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो द पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच इज इन द नेगेटिव साइड उसको भी आप पॉजिटिव लेंगे. And when you will be calculating, जब आप वहीं पर आप displacement calculate करेंगे, distance calculate करने में तो ये है कि sir the part of the graph which is in the negative side उसको आप positive लेंगे, और जब आप displacement calculate कर रहे हैं तो the part of the graph which is in the negative side that will be taken as negative. तो एक बात देखो, simple सा सवाल है sir. ये आपको दिखाई दे रहा है, it's a trapezium and this is a rectangle. Sorry, triangle. We have one trapezium and one triangle. तो आपको डिस्टेंस जब निकालना है तो बोथ यू हैव टू टेक एज पॉजिटिव. तो इसका एरिया आप क्या लिखेंगे? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये 6 प्लस ऑफ 4 होगा बेटों, ये वाली जो लेंथ है दिस विल बी 4. एम आई करेक्ट? यस सर. दो साइड जो आपस में पैरेलल है वो ये दो साइड्स हैं, ये ब्लू एंड दैट ब्लैक वन.
ठीक है, तो ये पैरेलल, तब देखिए ये दो साइड्स पैरेलल इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी 10 प्लस ऑफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दिस बेस इज 2 इनटू हाइट, हाइट इज 12, दिस विल बी द डिस्टेंस व्हाइल यू आर, इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये बस यही रहेगा 6 प्लस 4 इनटू 10 ये वही रहेगा, बस माइनस लगा देना यहाँ पर, बिकॉज द पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज इन द नेगेटिव साइड दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड द पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज ऑन द पॉजिटिव साइड दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए, आरुषि आयुषीश सबने अगर कर दिया तो वेरी गुड, वेरी गुड उर्वशी, कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट जी। यस सर, डन। सर मुझे ये समझ नहीं आया सर, हम पूरा क्यों नहीं ले रहे, बस हमने वो क्यों लिया, क्या पूरा क्यों, क्या पूरा क्यों नहीं लिया? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज टाइम इन सेकंड्स, आपका यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस ऑफ 8, यहाँ पर द टाइम इज 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। आपसे बोला गया कि इफ यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, इफ यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। नोट करिए सर, सर इसमें बस वेलोसिटी ढूंढनी है। यस, यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी अध्ययन। ओके सर, अगर मान लो इफ यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि दिस इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, the initial velocity when time is 0 is 2 meter per second, you have to find out the final velocity when the time becomes is equal to 10 seconds. Aur ek aapko relation pata hai already, okay, ye aap ke graph mein ye pata hona chahiye ki bhai kaun sa point kya batata hai hame, to agar hama acceleration versus time ka graph hai to usme hame ye pata hona chahiye ki what do we get from the area of that graph. Is it done? कैसे निकालेंगे वेलोसिटी फ्रॉम द एटी ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, हाउ विल यू फाइंड आउट द वेलोसिटी? किसी को याद है या भूल गए सर? डेल्टा वी इज इक्वल टू 80, वेरी गुड, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, 80 वाज एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, 80 जो है वो एक्चुअली में एरिया अंडर द ग्राफ है, इसका मतलब मैं याद दिला देता हूँ, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करिए एंड रिमेंबर द एरिया विच इज ऑन द पॉजिटिव साइड विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड एरिया ऑन द नेगेटिव साइड हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उस केस में जो पार्ट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेंगे, जो पार्ट नेगेटिव है वो नेगेटिव लेंगे, राइट? बोलो यस और नो? यस सर, यस सर, ठीक है। तो जो पार्ट पॉजिटिव वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, जो पार्ट नेगेटिव हो वो नेगेटिव लिखा जाएगा। तो इसमें फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि एरिया विच इज डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी,
is equal to area half into sum of parallel side, मतलब 6 plus 4 into 10. This is the area of the trapezium जो आपको ऊपर के साइड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, it's a triangle. और इस ट्राइंगल के लिए अगर आप बात करें, if you talk about this triangle, तो triangle में क्या है, यहाँ पर half into base, base की value कितनी है, 6 से 10, मतलब 4, into height, height की value minus of it. Why are you writing minus? Because this part of the graph is on the negative side, और यहाँ पर ये negative है, तो acceleration का minus आएगा, और minus इसलिए भी लेना है, because we are talking about the velocity, तो acceleration negative है, velocity भी negative आ रही है इस केस में, और v final हमें चाहिए, v initial का मतलब 2 meter per second, ये 2 is equal to ये half, तो ये 550, ठीक है, और ये 2 to the 4, तो ये minus of 16, ठीक है, तो v final की value कितनी हो गई, v final की value हो गई, इसको इधर ले आइए, तो 52 minus of 16, is it clear? Yes, sir. इसका मतलब 36 meter per second is your final answer. Sir? जी. सर इसमें हम वो तो कर नहीं सकते थे कि जीरो पुट कर दी 10, क्योंकि जीरो आ रही है एक्सेलरेशन 10 सेकंड पे. हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है 10 सेकंड पे, ठीक, तो हाँ सर, तो हम उसको पुट करके नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, इसलिए मतलब आपके कहने का इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यानी दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, राइट? यस सर, यस सर, यस सर. यस, सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज़ यहां पर एक्सेलरेशन, अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज इसमें अगर कर सकते हैं, तो वी कैन यूज इट टिल 4 सेकंड्स ओनली, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड्स तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टिल 4 सेकंड्स तक यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, आफ्टर दैट यू कैन नॉट. क्लियर? यस सर. और सर, अगर t is equal to 6 या 8 सेकंड तक होता, तो वहीं तक का एरिया निकाल दो. हां, जहां तक का पूछा जाए वहीं तक का एरिया. ओके, मतलब जहां तक का पूछा जाएगा, जहां पर फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, उस टाइम तक का एरिया आपने कैलकुलेट करना. ठीक है बच्चों, आगे बढ़े मेरे बच्चों. देवांश? यस सर. ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, लेट अस प्रोसीड फर्दर. ठीक है ध्यान भाई, नेक्स्ट देखिए. यस सर. अब ये एक अच्छा सवाल ले रहा हूँ, ये एक जितना भी करा है ना, उसमें से बेस्ट अगर मैं सवाल कहूँ, क्वेश्चन कहूँ, तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग नाउ. अच्छा, कॉन्सेप्चुअल, थोड़ी ज्योमेट्री भी यूज होगी आपकी. सर क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम बहुत आसान सा है, कोई ऐसा कोई खास डायग्राम नहीं है. सर क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट करिए, ये एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वंस अगेन दिस इज योर टाइम इन सेकेंड्स. आपसे बोला जा रहा है सर यहाँ पर दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, अगेन आई एम टेकिंग इट एज 8. टाइम की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपके जो टाइम की वैल्यू है दैट इज 10, यहाँ पर आपका जो टाइम है वो 12 है, एंड दैट टाइम इज इन, ऑल द टाइम इज इन सेकंड. आपको दिखाई दे रहा होगा इस पॉइंट का कोई टाइम मैंने नहीं बताया. हैव आई टोल्ड यू एनी वैल्यू फॉर दिस पॉइंट? डिड आई टेल? नो सर. एक्चुअली मैं क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही है, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, ये क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही है कि वो जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट का यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, बस यही एक अननोन है, और इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा बेहतर हो जाता है. तो आपसे फिर से पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इफ एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड. 12 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बताना है. अगर t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यू हैव टू फाइंड आउट t इक्वल टू 0 है यार, वो 20 कैसे आ, t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड्स. क्लियर? अभी भी कॉन्सेप्ट वही है कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू व्हाट. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है बेटा, किसके इक्वल? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. Change in velocity. It is not equal to velocity. It is equal to change in velocity. मतलब अभी भी concept यही है कि you will have to calculate the area. Concept अभी भी यही है कि area calculate करना है. But अगर आपको area calculate करना है, तो ये वाला ऊपर वाला अगर आप देखें, ऊपर वाला तो this is also a triangle, और नीचे वाला देखें तो ये भी एक triangle. और triangle की area में होता है half into base into height. Means you need to have the length ऑफ बेस. बेस आपको होना चाहिए, बेस आपको पता होना चाहिए, बट बेस की लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, बिकॉज 4 के बाद तो कोऑर्डिनेट ही गायब है. समझ आई बात या नहीं आई?
यस सर ठीक है तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट की अगर वैल्यू निकल पाई तो ही हमें दोनों ट्रायंगल का बेस पता चलेगा अगर वो पॉइंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या उस पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाए तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द एरिया राइट अब ये वैल्यू कैसे निकाले तो यहां पर थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th ज्योमेट्री यूज होगा 10th में आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा है हैव यू और हैव यू नॉट 10th में आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा है सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए क्राइटेरिया ये होती है कि या तो दो ट्रायंगल के साइड इक्वल हो जाए या एंगल एंगल इक्वल हो जाए तो उस केस में दैट बी सॉरी एंगल और साइड इक्वल हो जाए या दो एंगल इक्वल हो जाए तो उस केस में द ट्रायंगल्स वुड बी सिमिलर एम आई करेक्ट तो अगर उस केस में एंगल्स वुड बी सिमिलर तो इस केस में हम ये कह सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा अगर तुम ध्यान से देखो तो दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एक एंगल तो इक्वल हो गया और दूसरा अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखें तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ठीक है ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा कि दीज आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे ये एंगल अगर आप देखें तो 90 डिग्री दिस एंगल इज 90 डिग्री एम आई करेक्ट यस सर ठीक है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने 10 बोला था तो इसको भी ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये 10 अब यहाँ पे ध्यान से देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उस सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का क्या रिलेशन होता है कोई बता सकता है मुझे मतलब अगर मैं इस पूरी लेंथ को बेटे x मानता हूं ठीक है या x क्यों मानोगे एक्चुअली मैं इसको x नहीं मानू अगर आप इस पूरी लेंथ को देखें तो ये पूरी लेंथ मेरे लिए तो 6 है देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 4 यहां पर ये 0.4 है यहां पर 10 है तो 4 से 10 ये लेंथ 6 हुई पहले ये देखो और इस लेंथ को आप x मान लो तो ये वाली जो लेंथ है वो 6 माइनस x लिख सकते हो या नहीं इसको x मान रहा हूं मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो 4 में अगर x और ऐड कर दो 4 है ये उसमें x की वैल्यू ऐड हो जाए तो 4 प्लस x विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ठीक है अब यही x हमें निकालना है तो आप लोगों ने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे मतलब x अपॉन 6 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं तो ये वाली साइड जो है ये 10 है और ये वाली साइड 8 है तो 10 बाई 8 देख लीजिए मैंने सही करा क्या यस सर तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ 10x यहां से आप इसको लिख सकते हो ये 60 इज इक्वल टू 18x और x इज इक्वल टू 60 बाई 18 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 30 बाई 9 तो 10/3 करेक्ट है x की वैल्यू 10/3 है yes. हर बच्चा समझ पाया है Yes, sir. तो मैं एक कुछ पॉइंट्स के नाम यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको एक और चीज समझ आ जाए इस पॉइंट को ए कह लो इस पॉइंट को बी कह लो और इस पॉइंट को सी कह लो ए बी की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू ये 4 है और ये 4 प्लस एक्स है ए बी की लेंथ एक्स कहा है आपने ए बी इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू कितना 10/3 मतलब इस ट्राइंगल का ये जो ये है 10/3 ठीक है ये बात समझ आई और यहां से BC की जो लेंथ है वो 6 माइनस x है तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 10/3 दैट इज इक्वल टू 18/3 तो दैट विल बी इक्वल टू 8/3 देखो अब क्या एरिया निकाल पाएंगे हम लोग भाई किसको नहीं समझ में आया कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई इशू है तो प्लीज पूछो ये सबको लेंथ क्लियर है प्लीज बताओ बेटा यस सर
Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर होना चाहिए. If there is anyone who haven't understood till now, तो प्लीज आस्क. अदरवाइज मैं इसमें फिर अब एरिया वेरिया कैलकुलेट करूंगा. तो इसको देखिए, इसमें कोई चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आई है तो पूछिए. कोई भी चीज, कैसी भी कोई भी चीज हो जो आपको पल्ले नहीं पड़ी है तो प्लीज आस्क. पूरी लेंथ आपको चाहिए. ठीक है, तो यहां तक ये फोर है और इसके बाद ये x. तो 4 प्लस x मतलब 4 प्लस ऑफ 10 बाई 3 बिकॉज x इज 10 बाई 3 राइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट. हाइट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ हाफ इन टू बेस. इसका बेस देखो, तो यहां से स्टार्ट करो. यहां से 6 माइनस x कितना आया है? 6 माइनस x इज 8 बाई 3. 8 बाई 3 और ये वाला लेंथ कितना है? तो 2 है. तो 8 बाई 3 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट. इसकी हाइट इज 8. देख लो भाई, यहां से कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी. देखिए सर, अगर आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी आ गई हो तो यहां से आप कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सर 20 है मे बी इफ योर सिंप्लीफिकेशन इज करेक्ट. Then is it done, bachcho? Don't waste time, please. Easily respond. Karo ekdam immediately. Ayushi, Adhyan. Yes, sir. Yes, sir. Ho gaya, bachche. Ashish. Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. इस पर टाइम छोटी नहीं करते. अगर इफ देर इज एनी थिंग विच यू हैवंट अंडरस्टूड और विच यू कुडंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और एवरी बिट ऑफ इट तब तो विल लेट अस प्रोसीड फर्दर. ये आपको समझ में आ गया तो वी मूव टू द नेक्स्ट. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इन ऑल दीज क्वेश्चन, हमने किया क्या? तो इन ऑल दीज थ्री और फोर क्वेश्चन वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, इसमें वी हैड सिंपल फॉर्मूलाज के वेदर द एरिया. If the graph is velocity time graph, then we know that the area of that graph will be equal to distance and displacement. And if you have acceleration versus time ka graph, then you will get the area under the graph as equal to the change in velocity. And from there, we calculated the value of velocity. So this is one variety of question jo aapko pucha jata ya pucha jayega. So you now know how to deal with these kind of questions. Ye purely formula based question hote hain. If you know कि कौन से ग्राफ से हमें क्या पता चलता है एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ दैट ग्राफ विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तो उससे आप इसको सॉल्व करके आराम से आंसर बता सकते हो. फॉर दैट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या किसके बराबर है. एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज कि आपको एक सिचुएशन ग्राफ दे दिया जाएगा और उसको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एंड दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एंड दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो दिस वुड बी द सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू यू. क्या मतलब सर? ध्यान से सुनिए कि सर अगर मान लीजिए कि मैं आपसे, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि हाउ डू वी कन्वर्ट द ग्राफ, उससे पहले हमेशा एक बात याद रखें और एकदम बिल्कुल एकदम दिमाग में बसा लो कि फॉर, अच्छा ये जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इफ एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म
इफ इट्स नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में चेंजेस कैसे आते हैं वो हमें नहीं पता. फिर तो अगर एक्सेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में जो केस होगा, नॉन यूनिफॉर्म का जो केस होगा उसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, वो तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है. इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म का कोई एक सेट रूल नहीं है, ठीक है. बट यूनिफॉर्म है तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि भाई एक्सेलरेशन जो भी होगा दैट विल बी फिक्स्ड विद द टाइम, इट विल नॉट बी चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है. तो वो रिलेशन हमें पता है, दैट रिलेशन इज फिक्स्ड. दैट इज व्हाई यू कैन मेक फॉर्मूलास for the uniformly accelerated motion because you know the relation of acceleration with the time. But in the case of non-uniform motion, you don't know the relation with the of the acceleration with the time, because in every situation it can be anything. The relation can be anything. Matlab acceleration can be proportional to t, or it can be proportional to t square or t cube or 1 by t. Kuch bhi ho sakta hai. So we cannot make formula in advance for non-uniform motions, but we can make it for uniformly accelerated motion. तो याद रखिए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमेशा याद रखिए वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ये आपको याद रखनी है बात है, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं इसका रिमाइंडर दे रहा हूं और इसको एक अलग से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल ये पॉइंट वाइज याद रहे. सिमिलरली दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम, मैं शेप बता रहा हूं बस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैराबोलिक. अच्छा, दोनों एक ही जैसा पैराबोला हमेशा बनेगा ये जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, बट बनेगा पैराबोलिक. ग्राफ विल बी पैराबोलिक फॉर व्हाट, फॉर डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम. डिस्टेंस टाइम का ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ विल बी पैराबोलिक फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो फिर जो ग्राफ होगा, अब देखिए दूसरा पॉइंट भी याद रखना है आपको, फॉर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन में एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यू कैन से स्पीड इज कांस्टेंट, तो इन दैट केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चाहे आप डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ले लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये नोट करो ये पॉइंट. अब मैं कन्वर्जन करवाता हूँ ग्राफ का. सर पहले ये पॉइंट एकदम, सर इसका मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो फ्लैट लाइन होगा फर्स्ट केस. यस, फ्लैट लाइन मींस पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यस सर, और ये सारे केसेस उसी के लिए वैलिड है. अगर ये वो केसेस नहीं होंगे तो फिर तो सर कोई फायदा, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना, फिर उसको फाइंड ही नहीं कर सकते आप. Yes, sir. Sir, और मेरे सर कुछ डाउट थे सर रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस के, सर वो बाद में लोगे एंड में. नहीं, आज तो नहीं ले पाऊंगा, फिर तो वो नेक्स्ट क्लास में, बिफोर वी स्टार्ट क्लास उसमें बताइएगा. ओके, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें आप मुझे पहले वही करवा दीजिए. ओके सर. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. अब इसमें ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म वन ग्राफ इनटू अनदर. तो देखो सबसे पहला मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. लुक एट दिस ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. एक मैं करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से. यस, दिस इज टिल टाइम टी वन, दिस इज टाइम टी टू, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी. इसको आपको कहा जाएगा कि ड्रॉ AT ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम दिस VT ग्राफ. आपको इस VT ग्राफ, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. क्या करेंगे सर, कैसे सोचेंगे, मुझे एक बात बताइए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ
यहां से यहां अगर आप देखें, मैं कुछ नाम लिखता हूं, ए टू बी टू सी टू डी, भाई ए से बी में ग्राफ कैसा है, ए से बी में ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ या नहीं? यस सर, हो रही है। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको एक बात ये भी मालूम है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है, बोलो हाँ कि ना? Yes. भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है या ना ऋषिक? भाई स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट डज इट गिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एंड बिकॉज ए से बी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ए से बी का जो स्लोप होगा, स्लोप इज कॉन्स्टेंट। मैंने आपको ये सब करा रखा है, इसीलिए लास्ट वाली क्लास में सिर्फ ग्राफ का थ्योरी करवाया था, सिर्फ थ्योरी थ्योरी में खत्म किया था वो क्लास, उसमें कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं किया था, इसलिए कि ताकि आप पूरी चीज पढ़ के आए जब आपको मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो ठीक है, तो स्लोप इज कॉन्स्टेंट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। यस सर। इसी तरह से अगर आप यहां से चले, आप दूसरा पॉइंट बी से सी, बी से सी में आप देखिए, बी से सी में स्लोप जीरो है या नहीं है? यस सर, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। वेरी गुड, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी ऐसे हो गई पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एंड बिकॉज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं है। द लास्ट केस सी टू डी, who will tell me from C to D? Sir, retard हो गया। हाँ, मतलब स्लोप कैसा है, तो अगर आप C to D में जाएं तो स्लोप is constant but negative, तो स्लोप constant है but negative, इसका मतलब acceleration constant है but कैसा रहेगा, but negative, is it clear to all, please respond? Yes sir. Yes sir. तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ध्यान से देखिए, ए टू बी एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब ए से बी का ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव। बी से सी में कोई एक्सेलरेशन है क्या बेटा? नो सर। इसका मतलब दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ विल कोइंसाइड विद द टाइम, कि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे ही चला जाएगा। उसके बाद व्हाट डू हैव द लास्ट, लास्ट केस क्या है, सी टू डी में क्या हो रहा है, सी टू डी में एक्सेलरेशन फिर से आ गया, कॉन्स्टेंट है बट निगेटिव है, तो ये ग्राफ हो गया सर आपका, समझ में आई बात? यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, जब पॉजिटिव है तब भी वो कॉन्स्टेंट है, जब निगेटिव है तब भी वो कॉन्स्टेंट है, और यहां से यहां तक तो जीरो ही है। समझ आया कैसे ग्राफ कन्वर्ट हुआ फ्रॉम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन? सर ये फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। कहां से नहीं समझ आया भाई मेरे? सर ये यहां तक आ गया था कि इस ग्राफ से हम गया, फिर आपने जो ड्रॉ किया वो नहीं समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ए से बी में स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, सोच के देखो। एक्सेलरेशन जो भी होगा उसकी कुछ वैल्यू होगी ना भाई? यस सर, नॉन जीरो नहीं होगा। मान लो कि ए से बी में, मतलब नॉन जीरो होगा, ए से बी में मान लो एक्सेलरेशन 4 m/s² है, मान लो। yes. नहीं समझ रहा, अगर एक्सेलरेशन 4 m/s² है तो इसका मतलब ए से बी तक का ग्राफ जो होगा वो टाइम के साथ पैरेलल ही तो होगा, अगर ये 4 है तो ये 4 ही होगा ना बेटा, कब yes. तक, अप टू टाइम t1, ठीक है, बोलो। यस सर। T1 से T2 में कोई एक्सेलरेशन है क्या ऋषिक? T1 से T2 एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस T1 से T2 में वाई एक्सिस जीरो होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे कॉइंसाइड करेगा, नहीं आया? यस सर, समझ गया। और उसके बाद मेरे बच्चे T2 से, मान लो इसको T3 कह देते हैं, तो T2 से T3 में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फिर से कॉन्स्टेंट है बट इस बारी कहां होगा, नेगेटिव साइड पे, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ग्रेटर देन 90। नहीं आया, नहीं आया। और सर जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू स्लोप होगी? हाँ बिल्कुल, अब वैल्यूज वो बता देता हूँ। अब एक्सेलरेशन होगा कितना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो स्लोप निकाल लो, मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस,
तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करिएगा तो कितना होगा, परपेंडिकुलर पे वी है और बेस कितना है, यहाँ जीरो है यहाँ टी वन, तो वी बाई टी वन इसका एक्सप्रेशन होगा, नहीं आया। इसी तरह से इस केस में अगर एक्सप्रेशन लिखे तो कैसे लिखेगा, ये मान लीजिए ये माइनस साइन के साथ लिखेगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पर इसका ये वेलोसिटी वी और टाइम कितना होगा टी थ्री माइनस ऑफ टी वन। डिड यू अंडरस्टैंड ऋषिक साहब? यस सर। भाई सबको क्लियर है क्या हुआ, कैसे बना, क्या किया मैंने? yes, जैसे अगर चाहो तो एक डेटा लेके कर लेते हैं, इसको इरेज करूं? yes, ठीक है, तो एक डेटा लेके ऐसा ही सेम कर दो, फिर आगे की चीजें सिखाता हूं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन इज इन मीटर, नहीं मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम से करवाना ना पहले आपको, तो वेलोसिटी is in meter per second, time is in seconds. Same question ले रहा हूँ, data लेके, मतलब yes. इसका आपको draw AT graph, इसमें एक part हटा ही दिया मैंने, draw AT graph with the proper values. ये मान लो ये 10 meter per second है, ये 4 है, और यहाँ पर ये 8, ठीक है, इसका अगर मुझे 80 ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले बताओ 0 से 4 तक एक्सेलरेशन है या नहीं है? यस सर है। यस सर है, है ना, और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो 0 से 4 तक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव, ये मतलब हुआ ना। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 4, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 4 से 8 तक, 4 से 8 एक्सेलरेशन है या जीरो है? जीरो। व्हाट विल यू कमेंट? एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ? देखिए 4 सेकंड्स तक तो ये 2.5 रहेगा, 4 सेकंड्स तक ये 4 सेकंड, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 0, तो अब इसके पे कौन साइड करा दो 0। समझ आया, ये ग्राफ हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड ऋषिक? यस सर। जहां पर वाई जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ विल ऑब्वियसली कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। सर जो कोइंसाइड वाला पार्ट है वो ड्रॉ करना जरूरी होगा? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मान लो कि उसके बाद का भी पार्ट अगर हो, जैसे उसके बाद भी अगर पार्ट हो, जैसे वो इससे पहले वाला जो ग्राफ था उसमें उसके बाद भी पार्ट था, तो ड्रॉ करो या मत करो कॉन्साइड वाले पार्ट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलो एक बार यही ग्राफ, बट इसी में एक दूसरी चीज पूछता हूं। मान लीजिए यही ग्राफ, सेम ग्राफ, बच्चों मेरे प्यारे मेरे बेटे, ये ग्राफ ऐसे कैसे? बिल्कुल भाई, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मान लीजिए, ये वेलोसिटी ऐसे ही सिर्फ ग्राफ कन्वर्ट कर ले, वेलोसिटी टाइम, ये टी वन, ये टाइम टी टू। इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछूं, ठीक है, इसमें अगर मैं पूछूं ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब पहले मुझे बताइए, मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा, जीरो से ए और ए से बी। मुझे एक बात बताओ, जीरो से ए तक अगर हम जा रहे हैं तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला? पैराबोला। भाई सबको समझ में आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूं। यस, जीरो से ए जाने में एक्सेलरेशन को अगर आप देखेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो, आई मीन मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट, साथ साथ पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है कि पहले पार्ट में मोशन एक्सेलरेटेड है, और अभी सिखाया कि जब भी आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ जो भी कह लें आप, विल बी पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, अगर आप ए से बी जाएं, ए से बी तक,
So now what is happening? Acceleration hai ya zero ho gaya? A se B jaane mein. Do we have acceleration or is it zero? Obviously zero. It's zero. So iska matlab kya hoga? X, very good. XT graph is a straight line. Obviously aisa hoga jiska slope will be constant. So dekho graph kaise banega. X versus T ka graph bana raha hu. पहले ये ग्राफ वेलोसिटी इनिशियली जीरो है तो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे जाएगा और ऐसा वाला पैराबोला क्यों लिया क्योंकि ऐसे वाले पैराबोला का स्लोप इंक्रीज करता है अगर आप देखें तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी और यहां से यहां आने में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसा होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीजिंग हो नहीं आया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीजिंग हो समझ में आई बात अरे हाना बोलो yes. और उसके बाद यहाँ के बाद ये ग्राफ कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का बेसिक मतलब होता है कि इसका स्लोप क्या हो गया कॉन्स्टेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी तो अगर स्लोप कॉन्स्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट और आप देखिए तो ए से बी तक आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ही है समझ रहे हैं आप yes. तो ग्राफ yes. रीड्रॉ कीजिए यहां से ये T1 हो गया यहाँ ये T2 हो गया एक बार और ऐसा मैं देता हूँ जो आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद फिर हम फर्दर आगे बात करते हैं तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए तो बताइए तो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोगों को ट्राई करना इसमें वैल्यूज भी निकालनी होगी ना देखो वो तो वैल्यूज का आपको पता है कि दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप और व्हाटएवर तो ये जनरली जो मैं आपसे करवा रहा हूँ ना अभी सिर्फ मैं ग्राफ कन्वर्ट करवा रहा हूँ अगर आपको वैल्यूज निकालना होगा तो यू नो कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें आपको वैल्यू नहीं निकालने के लिए कहेगा क्योंकि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अगर वो चाहता है आपको इसकी वैल्यू निकालना तो वो आपको फिर वेलोसिटी की वैल्यू देगा वेलोसिटी की वैल्यू देगा तो उससे एक्सेलरेशन निकाल लोगे आप लोग समझ आ रही बात और मोशन एक्सेलरेटेड है तो किसी भी गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जैसे मान लो कि ये अगर हम इसमें T1 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट लिखें कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओहो सॉरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x की वैल्यू तो क्या करेंगे x is equal to ut plus half a t square कर सकते हैं ऋषिक यस सर u की वैल्यू जीरो तो x will be equal to half acceleration की जगह आप क्या लिख सकते हैं velocity upon time मान लो ये velocity आपको दे दिया मैंने तो velocity upon t1 into t1 का स्क्वायर ये आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए नहीं आया उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय नहीं 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 हाँ वो उससे भी निकाल सकते हो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सीधा एरिया मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम समझ आया यस सर तो मैं आपको वैल्यूज लेकर अभी कुछ भी नहीं करा रहा मैं तो सिंपली ये करा रहा हूँ कि सर मैं तो सिंपली आपको ये अभी करा रहा हूँ कि भाई सीधा करना क्या है तो सीधा करना ये है कि भाई आपको मैं यहाँ पर सिखा के आ रहा हूँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि हाउ टू कन्वर्ट अ ग्राफ अ गिवन ग्राफ इनटू अनदर ग्राफ डिड यू अंडरस्टैंड यस सर भाई आगे बढ़े बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं कर दोगे यस सर बट यस यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पैराबोला है वो ऐसा ही बनेगा ये ऐसा भी बन सकता है ये ऐसा भी बन सकता है ये ऐसा भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वेदर द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और वेलोसिटी इज नेगेटिव ठीक है तो देखते हैं कितनी अकल है आप लोगों के पास कितना अभी तक सीख पाए हो या मैं अकेला पढ़ा के खुद ही सीख रहा हूँ और खुद ही खुश हो रहा हूँ क्या हो रहा है तो वो पता करने के लिए आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन obviously again I will not be giving you data because I am not interested in the calculation part मैं सिर्फ आपके इस बात को देखना चाह रहा हूं कि आपको समझ कितनी आ रही है बात और आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं तो यहां पर velocity v मान लीजिए यहां पर time t1 है और यहां पर time t2 है ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ पहला आपको ड्रॉ करना है at graph का क्या मतलब हुआ acceleration time graph दूसरा आपको ड्रॉ करना है displacement time graph मतलब xt graph लिख देता हूं समझ रहे हैं और तीसरा मैं आपको कह देता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखूं आप लोग कितना कर पाऊंगे उसके बाद मैं बताऊंगा आई एम गिविंग अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं अभी आपका टाइम हो रहा है
जितना भी टाइम हो रहा है उसमें दो मिनट और, मतलब 8:11 पे मैं आपसे पूछूंगा यही चीजें, 12 पे बेसिकली। जल्दी से नोट करिए और करिए। आठ 12 पे मैं पूछूंगा आपसे। चलिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और कैसे करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में? यस सर। इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट थ्रू आउट और इट इज वेरिएबल? फर्स्ट टेल मी व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन डू वी हैव इन दिस केस? It is constant, but it changes 2 points obviously. Yes, sir. T1 तक इसका acceleration अगर आप देखोगे तो it is negative. Negative. And then T1 और T1 to T2 अगर आप देखोगे तो it's positive. It's constant, but earlier it's negative and बाद में positive. अच्छा, value wise भी same नहीं है. Value का तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक मुझे ये पता नहीं हो कि T1 से T2 तक time same है या क्या है. अगर मान लो वेलोसिटी यहां पर भी मैक्सिमम वेलोसिटी v है और यहां पर भी मैक्सिमम v है, बट यहां से टाइम 0 से t1 है और ये t1 से t2 है, तो इसका अगर आप स्लोप लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, दैट विल बी रिटन एज v अपॉन t1, और इसका स्लोप आप लिखेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन t2 माइनस ऑफ t1. तो दीस टू स्लोप्स आर नॉट सेम. हां, अगर ये दोनों वैल्यू ऑफ टाइम सेम दे दे तो फिर ये स्लोप सेम होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन in both parts would be same, chahe wo negative wala ho ya positive wala ho, same hoga. But if that is not given, to acceleration dono part mein same nahi hoga. Theek hai? Okay, to pehle portion ka acceleration negative. Theek hai, kab tak? Till the time of t1. Uske baad ka acceleration becomes positive. Kab tak? Till the time of t2. Is it clear? Yes, sir. Ye aap log ne kar liya tha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We move to the next displacement time graph. अब ध्यान से देखना, displacement
मतलब ये उल्टा एस बनेगा पॉजिटिव उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में. चलो देखते हैं अभी. पहली बात, फ्रॉम जीरो टू टी वन व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी, इज इट इंक्रीजिंग और इट्स डिक्रीजिंग? अरे ये बताओ, जीरो से टी वन तक भाई सब बोलेंगे, ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज. डिक्रीज. इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? डिक्रीज हो रही है. पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव, याद रखो निगेटिव नहीं है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऊपर से नीचे भी आओगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, वो निगेटिव थोड़ी हो जाएगा. निगेटिव तो तब बनता जब आप ये ओरिजिन क्रॉस करके नीचे जाते, तब निगेटिव होता. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप डिक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो. नहीं आया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है. बोलो हाँ या ना. यस सर. भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप, जिसका बोलो ऐसा. तो ग्राफ हम एक ही जानते हैं, पैराबोला, ये वाला. याद आया? यस सर. अब देखिए बेटा, ये सब जो चीजें आपको कराई गई है ना, अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो बेटा आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता. तो ये सब आपको एकदम बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए कि मास्टर ने क्या सिखाया था, इसमें क्या होता है, किसमें क्या पैराबोला होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट. ठीक है. अच्छा, इसके बाद T1 से T2 क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ? इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है. बोलो हाँ या ना. यस सर. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, या मतलब आप ये कह सकते हो पैराबोला, अब इस केस में कैसा होना चाहिए? इस केस का पैराबोला कैसा होना चाहिए? इस केस का पैराबोला ऐसा होना चाहिए, इस केस का पैराबोला ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो. क्या कहते हो? इंक्रीजिंग. ऑब्वियसली बात है, इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए जिसका, मतलब ये पैराबोला ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीजिंग हो. और वो पैराबोला कैसा होता है? तो ऐसा होता है. क्या हुआ बच्चों, ज्यादा कठिन हो गया क्या? नो सर. और इस केस में जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है, सेम विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिट्टो, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, एकदम डिट्टो. सर जी. सर इसमें अगर हम थोड़ा नेगेटिव में ले लें ये टी वन वाले पॉइंट. अभी बता, अभी समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे हो. अगर हम नेगेटिव में ले लेंगे तो बस एक बात याद रखिएगा कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इस बात का ख्याल रखिएगा. नहीं समझे? नहीं सर. उसमें वो वीटी ग्राफ भी, वो डीटी ग्राफ भी, एक्सटी ग्राफ भी कैसा बनेगा? किसमें सर? जब मून वेलोसिटी थोड़ी नेगेटिव भी हो जाएगी. अभी बता देता हूँ, एक मिनट इसको तो नोट कर लो. वही मैं बता रहा हूँ आपको. इसको नोट कर लो जल्दी से. कर लिया? यस सर. तो कर लिया तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. भाई सबने कर लिया प्लीज बताइए. यस सर. कर लिया. ठीक है. तो अब देखो, ये बच्चा जो पूछना चाह रहा है, मैं आपको उसकी बात बता देता हूँ कि क्या पूछना चाह रहा है. उसमें डिस्टेंस, ये आखिरी एक और ग्राफ कर लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों पूछेंगे हम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दोनों फाइंड आउट करेंगे. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे से ऐसे जा रहा है. यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है, ये टाइम टी वन है. यही पूछना चाह रहे हो ना विशिक? यस सर. ठीक है, ध्यान से सुनिए. नहीं सर ये नहीं सर. सर ये थोड़ा डिप होगा, फिर पॉजिटिव में आ जाएगा. मतलब नीचे जाए फिर, पहले ये समझ लो ना, उसके बाद तुम्हारा खुद का ही वो समझ में आ जाएगा कहाँ पर डिप और कहाँ पर क्या. ठीक है, ये मतलब आप जो कहना चाह रहे हो ना कि नीचे जाके फिर ऊपर ले जाना चाह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर. वो वी ऐसा होगा कि उसका पॉइंट नेगेटिव में होगा जहां वो मिलेगा. ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ये. यस सर. ये हाँ, तो ये समझ गए तो वो खुद ही समझ आ जाएगा तुम्हें कि क्या होगा.
देखिए इस केस में अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन्हीं दोनों ग्राफ पे बात करूंगा, तो पहले मैं एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा और आप लोगों से पूछ के ही ड्रॉ करूंगा। आप लोग मुझे बताइए, पहले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां से यहां तक, पहले यहां से देखिए यहां से यहां तक T1 तक आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या हो रहा है T1 तक? यार सब बोलेंगे प्लीज, T1 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा बन गया सीधी बात, ऐसा ऐसा ग्राफ बन गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो T1 से T2, T1 के बाद देखिए ग्राफ, अगर आप T1 के बाद देखेंगे, देखते रहिए आप लोग, T1 के बाद T1 टू T2 वेलोसिटी नेगेटिव है या क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव, बहुत बढ़िया। नेगेटिव में इज इट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नहीं नहीं फॉरगेट अबाउट द माइनस साइन, आपकी ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या नहीं, मतलब अगर ये 0, -1, -2, -3 आप मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करिए, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये बताइए। यस सर। भाई सबको समझ आ गया? आयुषी आपकी आवाज नहीं आ रही, आयुषी भाई आप T1 के बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, आयुषी T1 के बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, आयुषी यस सर, बट इंक्रीज कर रही है ना, ये बात ऐसी, ये सिचुएशन ये है कि आपने ऊपर से किसी बॉडी को नीचे फेंका तो आपकी वेलोसिटी रहेगी नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करेगी, ये मतलब ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप नेगेटिव हो। मुझे कौन बताएगा कि किस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, पहला दूसरा या तीसरा, विच ऑफ दैट ग्राफ इज देयर हुज स्लोप इज नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच ऑफ द थ्री आप लोग बताएंगे, बोलिए। थर्ड सबको समझ में आना चाहिए भाई सर, थर्ड, बहुत बढ़िया सबको समझ में आ गया, थर्ड, तो थर्ड ग्राफ ऐसा होना चाहिए राइट, तो थर्ड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके बाद का ये ग्राफ ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है भाई रिशिक, रिशिक पहले ये समझ गए? यस सर। अब अगर इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता तो ध्यान से सुनना, सुनना भाई ध्यान से, कैसे सुनोगे आप लोग, ध्यान से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है बट है पॉजिटिव, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा बना। सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग हो सकता है क्या? Can we have decreasing a distance time graph whose slope is negative? No sir. मतलब distance time graph ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका slope negative हो, right? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस portion में जहां पर आपकी velocity increase हो रही है उसका mod low। इसका मतलब इसके बाद का distance time graph कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। आप लोगों को समझ में आया? तो slope cannot become negative। जी यस सर, जो आपने XT ग्राफ बनाया है इसमें सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे ना हम, इसमें तो नहीं, पूरे टाइम पॉजिटिव हो रहा है। नहीं, मेरी बात सुनो, वेलोसिटी के नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया ऋषभ, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, मैं आपसे कहूँ कि मैं इस एक्सिस पे हूँ ऐसे जा रहा हूँ, बोलो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है जब तक वो ओरिजिन पे नहीं आता, तो वही बात है, इस पोर्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। हाँ हो सकता है कि यहाँ के बाद यहाँ तक आते 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 ठीक है, उसके बाद मतलब ये वहीं पहुंच जाए, उसके बाद फिर जब और फर्दर आगे बढ़ेगा तो ये ग्राफ आगे जा सकता है ठीक है, बट ये नहीं कह सकते आप कि जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, समझे ऋषिक साहब? Yes, sir. ठीक है, हाँ क्या जस्टिफाई होना चाहिए, जस्टिफिकेशन किस चीज की होनी चाहिए? तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ऑफ द स्लोप, कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं
तो उसका स्लोप मस्ट जस्टिफाई स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ के बाद निगेटिव में जाएगा या नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट एक बात श्योर है जो मुझे पता है कि टी वन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होना चाहिए दैट शुड बी निगेटिव। टी वन टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए, ये मुझे पता है, ये मुझे श्योरिटी से पता है, बट मुझे ये श्योरिटी से पता नहीं कि उसके बाद वो निगेटिव होगा या नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट खुद में निगेटिव होगा या नहीं होगा, स्लोप तो निगेटिव होगा तभी उसकी वेलोसिटी निगेटिव जस्टिफाई होगी। क्लियर? यस सर। सर तो जो डिप वाला होता उसमें बस सर ये पहले यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। भाई सबने नोट कर लिया प्लीज पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो डिप के पीछे तुम पड़े हो ऋषिक भाई, अब उसमें जब तक डेटा नहीं होगा आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप नेगेटिव साइड पे जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है, मतलब अब ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर चला गया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप बार बार इतनी देर से? यस सर। ठीक है, तो अगर ये अगर आपका ये देखिए यहाँ के बाद आप देखिए यहाँ के बाद यहाँ यहाँ तक आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ भी वेलोसिटी नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, तो इसका स्लोप कंटिन्यू नेगेटिव रहेगा ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू नेगेटिव रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा, अब निगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, बट वो डेटा डिसाइड करेगा कि जब हम यहां तक आए हैं तो वेलोसिटी वापस फिर से जहां पर जीरो हुई है वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है या पॉजिटिव हो गया ये हमें नहीं पता, तो वो डेटा डिसाइड करेगा। अगर डेटा आपको ऐसा डेटा ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं भाई आपका डिस्प्लेसमेंट इस पाथ के अलोंग निगेटिव हुआ है तो निगेटिव लीजिए, समझे, उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या होने लगेगा, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो फिर इसका स्लोप कैसा लेंगे आप, फिर से स्लोप इसका ऐसा लेंगे जिसका आपका वो इंक्रीज करने लगे, पता नहीं क्या समझे ऋषिक। सर मैं ये समझा नहीं जो आप डिस्प्लेसमेंट वाला कह रहे थे। भाई मेरे वेलोसिटी जब निगेटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, इसी तरह से वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हो गई तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पर मेरी वेलोसिटी जीरो हुई है वहां पर मैं ओरिजिन पे ही पहुंच गया हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां से गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से आप, मान लीजिए आप यहां से चले यहां पर आपकी वेलोसिटी, आप कह रहे हैं कि यहां से चल रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे हो रही, ठीक है, तो यहां तक आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ये वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है, बट यहां से यहां तक चलते 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 यहां तक आपकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव, सुनिएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है, अब उसके बाद आप फर्दर और आगे गए तो अब इधर आप पहुंचे तो आपका अभी वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी नेगेटिव है और आपकी डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट अब निगेटिव हो गई। अब इसके बाद आप मुड़ गए, आप जैसे ही मुड़े आप मुड़े यहां पर मुड़ गए तो वेलोसिटी आपकी कैसी हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई बिकॉज यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, बट इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसा है ऋषिक? नेगेटिव। अब अगर मान लीजिए आप यहां पहुंच गए फिर से, तो यहां पर पहुंच गए वेलोसिटी कुछ होगी यहां पर बट आपकी पोजिशन चेंज हो गई, अब यहां जाइए तो आपकी वेलोसिटी अब पॉजिटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, और वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो ही जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। नहीं आई बात समझे, पहले ये समझ आ गया आपको? हाँ सर, तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन क्रॉस करके उधर जा रहा है, वो बीच में वापस बिल्कुल जा रहा है। अब वो हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा का मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं बता दे, ठीक है, वैल्यू वाइज हम ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये कोई कह दे कि भाई यहाँ पर अगर मुझे डेटा वेटा पता होता कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैंने ग्राफ लिया, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ लिया और मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ से टाइम टी नॉट है और यहाँ पर टाइम टू टी नॉट, सुनिएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी वी है और यहाँ पर वेलोसिटी माइनस वी है, तो मैं ये कह सकता था कि यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो यहाँ टू टी नॉट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता ये टी नॉट से टू टी नॉट तो ये डिस्प्लेसमेंट पूरा जीरो हो गया। क्लियर? बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पर टच हो गए, अब उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाने लगे और यही ग्राफ तो आप बनवाना चाह रहे हो ना मुझसे? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो अब यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, इसलिए आप टाइम एक्सिस को टच कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी आपकी अब इधर हो रही है ना, इधर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। बट यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है, 2t0 के बाद मान लो ये 3t0, तो 2t0 से 3t0 डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, तो यही ग्राफ आगे एक्सटेंड करता जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ के बाद आप यहाँ चले जाइए, तो आपकी वेलोसिटी कैसी हो गई, अब पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीज हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव हो गया, नहीं, ये ऐसे जाएगा सर, आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप हर पॉइंट पे पॉजिटिव हो। बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि सर आपका जो है, जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ना, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव या पॉजिटिव होगा जीरो होने के बाद। पता नहीं व्हाट यू अंडरस्टूड टिल नाउ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ सर, और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो ही ना, तो वहीं से ही बढ़ने लग जाए। मतलब ऐसा, हाँ, हो तो रहा था ना, जहां पर आपकी पॉसिबल है कि जीरो जहां पर हुआ है वहां से सर वो वाला बन जाएगा जैसे पुराने केस में बनाया था ऐसा। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ही है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाए तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ये सर तो मतलब फिर वो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो जा रहा है। देखो हर केस में अलग अलग पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए मैंने आपको मेथड सिखाया है कि कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे। देखिये हर केस में अलग अलग कैलकुलेशन बनेंगी, यह अलग अलग तरह से चीजें डील होंगी, तो इसीलिए मैंने आपको कोई कैलकुलेशन मेथड नहीं सिखाया है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, वो डेटा आपको गिवन होगा, तो उसके अनुसार आप ग्राफ्स पे कैलकुलेशन करके आप चीजें निकाल सकते हो। बट आप सिर्फ मेथड समझिए कि मेथड क्या कहता है, हाउ टू री ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है यस सर, और इसका डिस्टेंस वाला कैसे होता? डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता और ना कभी डिक्रीज होता है, तो डिस्टेंस का ग्राफ या तो ऐसा पैराबोला हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन बन सकता है, यही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अभी दिखाया भी था कि जहां से ये कंटिन्यू इसी में आगे बढ़ता रहेगा, फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जब तक वेलोसिटी बढ़ रही है, ये आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी तो ये ऐसे होने लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लगेगी तो ये ऐसे होने लगेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन का दो ही पैराबोला हो सकता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो, और नॉन एक्सेलरेटेड है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में तीन तरह के पैराबोला हो सकते हैं, या तो तीनों टाइप पॉसिबल है, या तो ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। यही डिफरेंस है बस डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पैराबोला में, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन हैव एनी ऑफ द थ्री पैराबोलास, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन ओनली हैव टू पैराबोलास इन। समझे या नहीं? Yes, sir. भाई सबको क्लैरिटी है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर ये ग्राफ का डिस्कशन कर लिया हमने, ग्राफ का डिस्कशन इज ओवर, एंड विद दिस डिस्कशन इवन योर चैप्टर विच इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी आपका यहाँ तक खत्म हो गया, बाकी प्रैक्टिस आपकी। ठीक है, अब इसके बाद वी विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन, बट मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने में सबसे पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हमारा डिस्कशन होगा, दैट इज वेक्टर्स। तो चैप्टर का नाम लिखें इसके बाद के, वेक्टर्स। चैप्टर का नाम लिखिए वेक्टर्स, लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए सर, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन द सेंस के यू विल गेट द क्वेश्चंस और क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, ये सेंस नहीं है इंपॉर्टेंट होने का। इंपॉर्टेंट होने का सेंस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने का सेंस ये है कि आपको अगर 11th 12th की फिजिक्स सीखना है, या आप ये चाहते हो कि आपका जो 11th 12th का फिजिक्स है वो आपको क्लियर हो जाए, या आप अच्छे से कर पाओ, तो आपको दो टॉपिक आना एकदम जरूरी है। यू नीड टू नो द टू टॉपिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टू टॉपिक्स, एंड यू नीड टू हैव द टू टॉपिक्स ऑन द टिप ऑफ योर टंग।
and that two topics are differentiation integration. I'm considering as one topic, जिसको हम calculus भी कहते हैं, और दूसरा है vectors. अगर आपको ये दो चीजें नहीं आती हैं, तो आप 11th 12th की physics में बिल्कुल nil हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे आप कितना भी hard effort कर लो. अगर ये आपको दो चीजें आती हैं, तो आपको physics बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत प्यार से समझ में आएगा और आप physics में अच्छा कर पाओगे. So you need to remember the two topics, and those two topics are what? The two topics I'll repeat again. एक तो वो calculus वाला portion है जिसमें differentiation, integration होता है और जो भी चीजें होती हैं. और दूसरा क्या है? तो दूसरा है vectors, जो हमें start करने वाले हैं और उसी को हम पढ़ेंगे. तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आज basic सा introduction होगा, उसके बाद next class में ये continue चलेगा. तो vectors, सबसे पहली बात समझिए कि आपने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी. डू यू रिमेम्बर दैट? कि आपने पढ़ा था, इससे पहले भी आपने जब वो चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर कौन सा चैप्टर, वो कौन सा एक चैप्टर आपने पढ़ा था ना, नहीं नहीं इससे पहले, यूनिट एंड डायमेंशंस, यस वेरी गुड. तो उसमें भी आपने फिजिकल क्वांटिटी सुना था, कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है. और उसको वी डिवाइडेड दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू कैटेगरीज और टू टाइप्स, एंड वन वी कॉल एज फंडामेंटल, एंड अनदर वन वाज कॉल्ड एज ड्राइव. बट यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को हम दो अलग तरीकों में फिर से डिवाइड कर रहे हैं. इन दैट केस ऑल्सो वी डिवाइडेड द फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू टाइप्स, और यहाँ पर भी हम फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड करेंगे. एंड वॉट आर द टू टाइप्स इन विच वी विल डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड होगी, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है आपकी फंडामेंटल, सॉरी फंडामेंटल यहाँ क्यों डिवाइड कर, सॉरी माय मिस्टेक, एक का नाम है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम है वेक्टर्स. देखो, एक तो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज एज फंडामेंटल एंड ड्राइव, ऑन द बेसिस ऑफ के वो क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर हो रही है या दे डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज. किस तरह से वो टू क्वांटिटीज जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था, वन वाज फंडामेंटल एंड अनदर वाज ड्राइव. और हमने ये बोला था कि सर फंडामेंटल का क्या मतलब है, फंडामेंटल वो है जो डायरेक्टली मेजर होती है और ड्राइव डिपेंड करती है फंडामेंटल पे. तो वो उस तरह से हमने उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया था. इस बारी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस. देखो, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की, स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है बेटा, स्केलर क्वांटिटी के क्या प्रॉपर्टी है या क्या डेफिनेशन है या क्यों हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो हमने देखा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, मतलब उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस. अगर मुझसे कोई कहे कि भाई, दो तरीके से हम कह सकते हैं ना, कि अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको किसी प्लेस पे जाना है, मान लीजिए कि आप जहां पर बैठे वहां से आपको मुंबई जाना है, लेटर से मुंबई जाना है, आपसे किसी ने बोला कि मुंबई का डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर, तो दिस इज सिंपली द डिस्टेंस. मैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो आपको तो नहीं बताया उसने, ही सिंपली टोल्ड यू अबाउट द लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस. ठीक है, तो ये मतलब उसने सिर्फ आपको डिस्टेंस बताया, लेंथ बताया, he didn't mention the direction in which you have to proceed for the Mumbai, right? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसकी numerical value हो, उसकी direction नहीं हो, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. फिर से सुनिए, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं हो, सच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. अ फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी. और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी, all of them obeys algebraic law. Algebraic law को obey करने का क्या मतलब है? कि मतलब ये कि they can be added, subtracted, multiplied or divided algebraically. मतलब उनको सारे mathematical calculation हम based होते हैं algebra, simple algebra. मतलब अगर मान लो कि we have two distances, 100 meter and another one is 200, तो total distance will be equal to 300.
ठीक है, इसी तरह से इफ वी हैव 4 kg ऑफ मास एंड वी हैव अनदर मास ऑफ 2 kg एंड वी हैव कंबाइंड देम टुगेदर सो द टोटल मास विल बी इक्वल टू 6 kg, मतलब यू आर जस्ट डूइंग इट एल्जेब्रिकली. तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन एंड दे ओबेज एल्जेब्रिक लॉ फॉर देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन. क्लियर हो गई बात? तो लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. आगे लिख लीजिए ऑल द स्केलर क्वांटिटी ओबेज, ऑल द स्केलर क्वांटिटी ओबेज एल्जेब्रिक लॉ, ऑल द स्केलर क्वांटिटी ओबेज एल्जेब्रिक लॉ, ऑल द स्केलर क्वांटिटी ओबेज एल्जेब्रिक लॉ. लिख लिया बच्चों जितने भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सब की सब किसको ओबे करती हैं? एल्जेब्रिक लॉज. यस सर. लिख लिया सबने? Yes, वो इशू ठीक है. तो चलिए.